बीजेपी नेत्री और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ हरियाणा के कई नामचीन पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का कई नेताओं और खिलाड़ियों ने भी समर्थन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के विरोध में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा देखा गया तो वो था बबीता फोगाट का। बबीता फोगाट ने इस प्रदर्शन के विरोध में कई बयान और ट्वीट किए, लेकिन जब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तब से बबीता का ना तो कोई बयान आया है और ना ही कोई पोस्ट। इस बीच बबीता फोगाट गुरुवार को शिमला में थी। शिमला में एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची थी। बबीता फोगाट यहां मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि आज मणिपुर ही नहीं छत्तीसगढ़, बंगाल सहित पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इससे महिलाएं और पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। इसके साथ ही जब उनसे पहलवानों के धरने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारियां में मैदान में उतर गए हैं। मामला कोर्ट में है, हमें न्याय व्यवस्था और प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आज मैं पहुंची हूं। तो काफ़ी मैंने देखा है विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह है और ये प्रांत का जो है अधिवेशन दिवस है तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को और एबीवीपी संगठन के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। आप मणिपुर की ही बात क्यों करते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं नहीं घटती हैं? क्या बंगाल के अंदर जो स्थिति है और जो प्रशासन और प्रशासन ने जिस तरह की दुर्व्यवस्था वहाँ पे हो रखी है और जिस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं मानवता भी शर्मसार हो रही है, हमें उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है और हमें राजस्थान जो महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन है उसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। और ये देश के लिए बड़ा मुझे लगता है चिंता का विषय है महिलाओं के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि हमें महिलाओं को हमें एक सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण देने की जरूरत है। इसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों को चिंता करने की जरूरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है तो और अपनी चिंता व्यक्त की है तो ये अपने आप में ही पूरे देश को संदेश जाता है कि स्टैंड महिला के हमेशा साथ में है और जहाँ भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी हमें निंदा करते हैं। और दूसरी चीज है कि महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे समाज को संगठित होने की जरूरत है, समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे घृणित लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है और महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है। अभी वापिस अपने मैदान में लौट चुके हैं, सभी खिलाड़ी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, ओलंपिक की तैयारी में जुट गए हैं और मामला जो है कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर जो भी होगा सब पूरे देश के समक्ष होगा और मुझे अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है कि वो कभी भी अपनी बहन बेटियों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।